गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल नाउ आई विल टीच यू आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 8th SST चैप्टर नंबर फोर टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग इज द प्रैक्टिस्ड। ठीक है, पहले ये फिगर देख लेते हैं हम। ऊपर कुछ फिगर दिया हुआ है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट्स। ठीक है, इनपुट क्या होता है, मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम जब खेती करते समय लगाते हैं। द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, द फार्म सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम है आपका। इनपुट हमें पहले खेती करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए पहले इनपुट करना पड़ता है, इनपुट लगाना पड़ता है। इनपुट में आपका आता है मशीनरी, सीड्स एंड केमिकल्स। ठीक है, लेबर भी लगाना पड़ता है, और प्रोसेसिंग होता है। इन सभी चीज़ों का प्रोसेसिंग होकर के आपका तब आपके पास आउटपुट आता है। आउटपुट के रूप में आपको क्रॉप्स आता है, फसल आता है। ठीक है, ह्यूमन इनपुट होता है स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये ह्यूमन इनपुट होता है। नेचुरल इनपुट यहाँ पे होता है आपका सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल एंड स्लोप, ये सब आपका नेचुरल इनपुट होता है, तब जाके क्रॉप्स होता आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। फार्मिंग इज द प्रैक्टिस इन द वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में भी कई तरीके के फार्मिंग के तरीके होते हैं, अपनाए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल। ये जो फार्मिंग का तरीका होता है, किसी प्लेस और स्थान के, मतलब या किसी जगह के ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पे किया जाता है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कैसा डिमांड है। ठीक है, मांग कैसा है, प्रोडक्शन का क्या प्रोडक्शन लोग चाहते हैं, लेबर। ठीक है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स। फार्मिंग, खेती करने के तरीकों को दो तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ठीक है, सब्सटेंशियल फार्मिंग में ये होता है कि इसमें फार्मर अपने घर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको ये फार्मिंग करता है। ट्रेडिशनली जैसे इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है। मोस्टली घर के ही चीज़ों को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, घर के ही लेबर करते हैं, घर के जो लोग होते हैं वही खेतों में काम कर लेते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल आउटपुट, इसमें बहुत ही छोटा सा स्मॉल आउटपुट, बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम इनपुट लगता है और बहुत ही कम आउटपुट भी मिलता है, इनपुट आउटपुट बहुत ही कम होता है। सब्सटेंशियल फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, उसको भी सब्सटेंशियल फार्मिंग को भी क्लासिफाइड किया गया है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दो में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेटेड ए स्मॉल प्लॉट ऑफ ए लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। जिसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस वो एग्रीकल्चर करने का वो तरीका होता है जिसमें किसान बहुत ही जमीन के छोटे हिस्से पर काम करता है और इसमें बहुत ही कम और सिंपल टूल्स का यूज़ करता है। ठीक है, और लेबरों का सब ज़्यादा इसमें लेबर का यूज करता है और टूल्स बहुत ही कम यूज करता है। क्लाइमेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेज विद द सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और इस सेम प्लॉट पर ही क्लाइमेट बेहतर होने के कारण, ठीक है, अच्छा फर्टाइल होने के कारण इस प्लॉट पे एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती कर पाते हैं किसान। ठीक है, राइस इज़ द मेन क्रॉप, इस हिस्से पे राइस चावल ज़्यादातर उगाया जाता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हील, अदर क्रॉप्स भी यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड, जैसे खेती की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे
ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, ये मोस्टली जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है और मानसून काफ़ी अच्छा होता है, उस एरिया में ये ऐसी खेती, ऐसी फार्मिंग की जाती है। साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में ज़्यादातर ऐसी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में बात करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ द प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्ट, जहाँ पर घने जंगल होते हैं जैसे अमेजन बेसिन में, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन का तरीका अपनाया जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एशिया इंडिया। ठीक है, दीज आर द एरियाज ऑफ ए हैवी रेनफॉल, क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, ये जो एरिया होते हैं, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ये एरिया बहुत ज़्यादा बरसात वाले होते हैं, क्विक रीजनरेशन, जहाँ पर जो वेजिटेशन होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। बहुत ज़्यादा इस एरिया में क्या होते हैं कि बहुत जल्दी से पेड़ उगते हैं, ट्रीज उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, प्लॉट ऑफ लैंड को जंगलों के अंदर प्लॉट ऑफ लैंड को काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। द एसेस और इस एसेस को मिक्स करके सॉयल में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और क्रॉप्स जैसे मेज़, याम, पोटैटोज एंड द कसावा, इन सभी ये इन टाइप के फसल उगाए जाते हैं। आफ्टर द सॉयल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबॉन्डन। जब वहाँ पर एक दो खेती कर ली जाती है और जब वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है तो अबॉन्डन कर दिया जाता है, उस जगह को छोड़ दिया जाता है। एंड द कल्टिवेटर्स मूव्स, जो किसान होता है दूसरी जगह मूव कर जाता है। ठीक है, और नए प्लॉट में और जंगल के नए हिस्सों में क्या होता है, वो नए हिस्सों को काट करके वहाँ पर कल्टिवेशन करता है। ठीक है, और उसको जला करके इस तरीके की खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस। नोमैडिक हर्डिंग फार्मिंग क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग होता है इज ए प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड द सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, सेमी एरिड मतलब जो एरिया होते हैं जहाँ पर सेमी एरिड वाले एरिया, इन जगहों पे पानी क्या होता है, जिसे जो एरिड होते हैं, जो सूखाग्रस्त होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इस जगहों पे हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स। हर्ड्समैन जो होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, अपने हर्ड्स के साथ, अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं फॉडर की तलाश में, उनके तलाश में, अपने पशुओं के भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन द रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंस। ये जो मूवमेंट होता है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होता है। ठीक है, सीप, कैमल, यॉक एंड द गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड, और इस एरिया में मोस्टली जो होते हैं ज़्यादातर सीप, कैमल, याक, ये सभी चीज़ें पाले जाते हैं। तो सेमी एरिड एरिया वाले में नोमैडिक जो होते हैं, नोमैडिक हर्डिंग, जो कि अपने पशुओं को हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं और चराते रहते हैं, मोस्टली इस एरिया वाले, सेमी एरिड वाले एरिया में हर्ड पशुपालन होता है। ठीक है, और ये इन सभी चीज़ों को, सीप, कैमल, ये सभी चीज़ों को पालते हैं। और इन्हीं से जो होता है फ्लेश, इनका फ्लेश बेचते हैं, इनके इनसे होने वाले ऊन को बेचते हैं, मिल्क को बेचते हैं, मिल्क इन सभी चीज़ों को बेच करके वो अर्निंग करते हैं। ठीक है, और अपना लिवलीहुड, अपना जीवन यापन करते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग को ये जानते हैं क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग। इन द कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द एनिमल आर रियर्ड ऑफ द सेल इन द मार्केट। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसको क्या होता है कि किसान ग्रो करता है, उगाता है, ठीक है, खेती करता है, या तो पशुओं को पालता है और इसको क्या करता है, वो मार्केट में बेचता है। ठीक है, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज इज़ लार्ज। ठीक है, जो एरिया होता है वो, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो एरिया होता है जहाँ पर खेती की जाती है वो बहुत बड़ा एरिया होता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी, अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन्स, ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स
कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग इंक्लूड्स, कमर्शियल फार्मिंग जो होती है इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन, कमर्शियल फार्मिंग में होता है वो कमर्शियल ग्रेन ही ज़्यादातर उगाते हैं जिसको वो मार्केट में बेच सकें। ठीक है, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल फार्मिंग में किसान ज़्यादातर कमर्शियल चीज़ों को ही अपने मार्केट में उसे बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए ही उद्देश्य से वो लगाते हैं। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन। ठीक है, व्हीट और मेज, जो गेहूं और मेज होता है, व्हीट और मेज होता है वो कमर्शियली तरीके से, कमर्शियली तरीके से उसको ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। मेजर एरिया वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सबसे बड़ा एरिया जो होता है कमर्शियल ग्रेन, जहाँ पे फार्मिंग होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, जहाँ पे अनाज उगाया जाता है, मोस्टली है मेजर एरिया वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका है एंड यूरोप है और एशिया भी है। दीज एरिया आर द स्पेशली पॉपुलेटेड विद अ लार्ज फार्म स्प्रीडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया की कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है और इन एरिया में मशीनों द्वारा खेती की जाती है और ऐसी फार्मिंग की जाती है जिसको कमर्शियली फार्मिंग की जाती है जिसको वो क्या करें, मार्केट में सेल कर सके। सीवर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रो। और ऐसे एरिया में क्या होता है कि विंटर में कोई खेती नहीं कर पाता है और सिंगल क्रॉप्स ही, मतलब एक खेती ही की जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, ठीक है, मिक्स फार्मिंग के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।